जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई खैर वाफियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल्ला सईद और आप देख रहे हैं एरन टपी की यूट्यूब चैनल। हाजरा जी, एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फोर सेल में गन लेके आए हैं, जो कि काफी नाजुक हालत की गन है और है मतलब तुर्किश एयर गन मगर, ठीक है। और इसका स्प्रिंग पावर भी अच्छा खासा है, और इसके अलावा थोड़े बहुत इसके ऊपर जुगाड़ भी हुए हैं। कुछ जो चीजें हैं वो इसकी मिस भी है इसमें। तो ये है जी क्रॉल का N01W, जो कि तुर्की में बनाया जाता है। क्रॉल जो है इसको मैन्युफैक्चर करता है तुर्की के अंदर। ये हमारे पास 0.22 कैलिबर में इस वक्त मौजूद है। और इसके अलावा इसका जो पावर सोर्स है, स्प्रिंग है, कॉकिंग सिस्टम, ब्रेक बैरल है, स्टॉपर इसका जो है वो मेटल से तैयार किया गया है। 11 mm की इसके ऊपर डाफ्ट रेल दी गई है, जिसके ऊपर आप अपनी जो स्कोप है वो फिट कर सकते हैं। स्टॉक जो है इसका वॉलनट से तैयार किया गया। फोर आर्म और पिस्टल ग्रिप के ऊपर आपको चेक रिंग्स दिखने को मिल जाती है। मैं जब इस गन को कैरी कर रहा हूँ, हैंडलिंग कर रहा हूँ, तो मुझे ऑलमोस्ट इसका वेट जो है वो 2.9 kg के राउंड अबाउट जो है वो फील हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कुछ गन जो है कुछ ऐसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ओवरऑल हम इसके ट्रिगर की बात करें, ट्रिगर जो है इसका फाइबर से, ट्रिगर जो है इसका मेटल से तैयार किया गया है। साथ में इस मैनुअल सेफ्टी का भी ऑप्शन मौजूद है, और साथ में इसका जो है वो ट्रिगर गार्ड है, जो कि फाइबर से तैयार किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें इस गन के FPS की, तो तकरीबन 820 FPS 0.22 कैलिबर पर ये जो है वो आपको दे रही होती है। और इस गन के रिलेटेड अगर और हम बात करें, यहाँ से इस गन को हमने अभी सेल में डाला हुआ है, तो मैं इसकी क्लोज से जो है वो आपको एक लुक दिखाता हूँ। जिस कंडीशन की ये गन है वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर आप ये गन देख सकती हो, यहाँ पर इसके ये जुगाड़ हुआ है। ये किसी ने माउंट को स्टॉप करने के लिए ना यहाँ पर इसके माउंट को वेल्ड किया था, ठीक है। अब सेकंड जो है यहाँ पर इसकी साइड, रियर साइड जो मिस है। अब इसके बाद जो है वो यहाँ पर इसका जो फ्रंट वाला सप्रेसर है और फ्रंट साइड है वो भी मिस है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसके पिछली साइड पे एल्फी लगी हुई है, और ये इसका जो स्टॉक है आप यहाँ पे देख सकते हो काफी रफ हालत में है। मतलब स्टॉक अपनी असली कंडीशन में मौजूद है, टूटा वूटा कोई चीज नहीं है मतलब इस स्टॉक में, मगर कलर वगैरह जो है वो इसका हल्का हल्का उतर गया हुआ है। ये गन वाजे तौर पर बताती है कि अच्छी खासी यूज हुई। क्यों भाई, ये देखें पीछे से, ये बट पैड तब ही घिसता है जब आप इसको अच्छे से यूज कर लेते हो, ठीक है। तो इस कंडीशन की गन है, किसी भाई को भी चाहिए हो तो रब्ता कर सकता है। मगर मैं एक बात बोल सकता हूँ, बैट लगा के जिस पर्पज के लिए आप लोग ना टारगेट शूटिंग या हंटिंग, उसमें आपको ये पूरे चस्के करवाएगी, बहुत पावरफुल गन। मैं अभी इसको ना आपको फायर करके दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत पावरफुल है और आवाज तो बहुत ज्यादा है इस गन की। क्रॉल N01W हमारे पास कुछ कमाल की तो नहीं कह सकते, अच्छी खासी तो नहीं कह सकते, बस दस्तयाब है। कोई बंदा खरीदना चाहता है हमसे रब्ता कर सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।